जो कोई विरोध भी करे और विरोध रूप से वहाँ विरोध रूप से प्रकाश होता है। अगर कहे ये करना नहीं चाहिए, हाँ उसी रूप में हमारा ही है, विरुद्ध रूप में जैसा हमारा ही प्रकाश है, और वहाँ जो अनुकूल रूप से बताते हैं वो भी हमारा ही है, द्वंद रूप से बताते हैं वो हमारा ही है, हमारा से अलग कोई हाई नहीं, हाई उनसे अलग कोई हाई नहीं, कुछ हाई नहीं, उन्हीं के ही रूप है, हर एक रूप में वही है वही है वही। विरुद्ध रूप में आए, विरुद्ध भंजन रूप में भी आता है। और ये हाँ वृक्ष का तल पे बैठो, एक प्रश्न मेरा भी आपको दिल जाता है, बाकी भक्ति का बात नहीं किया। हाँ हाँ भक्ति का बात आपने किया ना, बोला कि भक्ति का बात नहीं किया, कौन माता आप ही आपको दे देता हूँ। हाँ हाँ जिसको जो लाइन में है उन चीज देते हैं, सभी उनको पास मौजूद है। ये परमात्मा स्वरूप जो महात्मा और जो पुरुष है, और परमात्मा स्वरूप जो पुरुष है उनको जो कोई जिसको जो जरूरत है वो सब देते हैं, वह सब मौजूद है। अभी आपने कहा कि तीन तरह होते हैं, एक जीवात्मा, एक महात्मा और एक परमात्मा। कहती है महात्मा लोग जीवात्मा तो हुई ना, जैसे हम लोग मनुष्य के शरीर में है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो जीवात्मा है। हाँ। महात्मा वो हो गए जिन्होंने थोड़ी उसमें ज्ञान पा लिया। नहीं, जो महान कोई चाहते हैं, महान लेके रहा, पूर्ण ज्ञान हो, महान लेके रहे, महान लेके जो रहा है उनका महात्मा कहते हैं। और जो स्थिति है परमात्मा स्वरूप, परमात्मा तो हो गई परमात्मा, जिसको मुक्ति मिल गई, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। पर आजकल के युग में ये देखें कि हम जीवात्मा होके जो जरा सी ज्ञान पा लिया तो वो हम लोग अपने आप को परमात्मा की तरह क्यों पुजवाने लग जाते हैं। हाँ क्या बात है, क्या बात है, परमात्मा को तो हम पूछते हैं इसलिए कि वो मुक्त आत्मा है, उसने कभी शरीर धारण। एक बात है तुम सुनो, इसमें ईश्वरी को ऐसा कहती नहीं जो तुम मनुष्य को पूजा करो, मेरे पास समझा कि नहीं, मनुष्य को पूजा करो ये बात ऐसे भी कुछ करनी चाहिए। और एक बात कहती है ईश्वरी को तो कुछ कहती ही नहीं, जब शरीर सुनो सुनो शरीर है तो वो तो परमात्मा है ही नहीं, उससे ऊपर कोई आत्मा है ना, परमात्मा ऐसी शक्ति है जो अच्छा सुनो सुनो बांग्लादेश में और कोई कोई देश में ऐसा रहती है, कोई कोई देश में ऐसा रहती है, कोई कोई देश में ऐसा रहती है कुमारी पूजा का विधान, कोई कोई देश में होते हैं गोपाल पूजा का विधान, जैसे तुम्हारे बाल गोपाल है बच्चा और जैसे कुमारी है, और कोई कोई देश में रहती है और तुम जैसा कोई सुहागन हो, जैसे कोई सुहागन हो सुहागन की भी पूजा करती है, तो उन लोग को जो पूजा करती है ईश्वरी तो हम परमात्मा की करते हैं, नहीं नहीं जो नेचुरल नहीं है, जब बात सुनने से गलत सुनो, माँ की बात सुनो, गुरु पूजन पूरी बात हो जाएंगे। और एक होते गुरु देश में तो एक देश में ऐसा भी रहती है गुरु को पूजते हैं, गुरु को पूजा करते हैं कि गुरु अपना अंधकार से हटा देंगे ना, गुरु को पूजा करते हैं, इसीलिए बात होते हैं उन लोग करते हैं जो किसको करती है गोपाल को करती है। जैसे एक बात है कहा ना, ये सब बात सुन लिया तो जो सब में सब है, तुम्हारे में आत्मा ही है, तुम्हारे में स्वयं भगवान है, तुम्हारा शरीर को पूजे तो बड़ी खराब बात है, अगर तुम्हारा में जो भगवान है उसको पूजे तो समझा है नहीं, तो गुरु अगर शरीरधारी भी हो तो किसी को गुरु को पूजा करे तो शरीर मना नहीं करते, कहती है शरीर को थोड़े पूजा करते है, और शरीर को पूजा करे तो खराब बात बुरा बात है, लेकिन आत्मा को पूजा करे और जो उनको भगवान है उनको पूजा करे तो भगवान को पूजा करती है, ऐसा हम सुना है। जो उन लोग बाल कुमारी को पूजा करती है कहती है कुमारी रूप से जो स्वयं भगवती है
उनको पूजा करती है, और जो बाल गोपाल को पूजा करती है उसको भी हमने सुना गोपाल को पूजा करती है। कोई सुहागन से करती है तो एक शक्ति रूप मान भी करती है, शक्ति की पूजा करती है, और गुरु को तो गुरु को भी पूजा करती है, ऐसा बात है। लेकिन वो करती है भगवान को, अगर शरीर को मनुष्य का करे तब तो हम मना करते हैं, मनुष्य का कभी नहीं करे। क्या जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष को थोड़ा पूजा करते हैं, भगवान है उसमें सब पूजा करते हैं, ऐसा भी तो सुना ही दिया। अच्छा, और तुलसी को पूजा करती है, वृक्ष को थोड़ा ही, तुलसी में जो देव भगवान है नारायण है उनको पूजा करती है। अच्छा, शिव को पूजा करती है, शिव को पूजा करे तब तो कहती आ रही है तू पत्थर क्यों पूज रहा, और जो विग्रह शिला है नारायण शिला होता है, अरे देखो शिला को पूज रहा, नहीं नहीं नहीं, वो गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, और विग्रह में शिला बुद्धि नहीं रखना चाहिए। वो जो शिव जी का विग्रह है वो पत्थर थोड़ा ही है, शिव करके शिव को पूजा करती है, पत्थर तो कितना पड़ा पूजा तो नहीं करती, इसीलिए शिव को पूजा करती है। और नारायण शिला जो है वो जो विग्रह है वो ठाकुर श्री कृष्ण को पूजा करती है, और जो विग्रह बना के पूजा करती है वो भी और ठाकुर की पूजा करती है, जैसे श्री रामचंद्र ठाकुर की पूजा करते हैं। और शंकराचार्य ये मना नहीं कर सकते, माँ शंकराचार्य को विग्रह जो पूजती है, हम भी देखे आए अभी शंकराचार्य को विग्रह पूजा कर रहा है, ज्ञान स्वरूप आत्म स्वरूप ऐसा भाव ले की पूजा करते हैं, थोड़ा ही पत्थर की पूजा करते है, पत्थर को थोड़ा ही पूजा करते है, जो कसी हुई पत्थर में थोड़ा ही पूजा करते हैं, ये पूजा तो बेकार है, लेकिन उनको ही पूजा करते हैं। अच्छा, ये तो गया एक बात, और एक बात है, ये जो विश्वरूप है भगवान का सारा वहां स्थिति ऐसा है, वो सुबह और कुछ नहीं, पत्थर किसका नाम है, किसको नाम पत्थर है, ओ सिवा और कुछ है ही नहीं, वृक्ष किसका है वही है। एक महात्मा हर समय उनको ऐसा कोई दृष्टि खुल गया था, मैंने बड़ी सुंदर बात कहा होता है समझने का है, ओ इसमें एक आयत है, उसको क्या नजर में ऐसा आया, उसको भाव ऐसा हो गया, दृष्टिकोण ऐसा हो गया, जो उसको दृष्टि में आता है वृक्ष वृक्ष आए वृक्ष 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 उन कर रहा, जिसे गागला आ जाए सामने गागला 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 ऐसे ही जो उसको दृष्टि में पड़े, जैसा आलू पर जाए आलू 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 ऐसे ही करती है, जैसे जो सामने आ जाए वो ऐसे ही जब करते है। तो जो गोपीनाथ को भी है ना सीता जी ने इस बात को बताया, तो बहुत बड़ा पंडित जानते हैं शायद, बहुत से लोग जानते हैं उनको, तो हमने सुना तो कहती है कि कोई ने पूछा, अच्छा आपने मनुष्य भगवान का नाम जप करती है और गुरुदेव ही मंत्र जप करती है, आप ही क्या कर रहा, जो आलू आलू करके जप करे आलू कोई मंत्र है नहीं भगवान है। तो उसने हंस के कहा, तुमने ठीक कहा, तुम भी भगवान हो, तुम भी वही हो, वही तो है, वही सिवाय तो हम कुछ लगता ही नहीं, इसलिए सर्वनाम भगवान का, सर्व रूप भगवान का, और रूप गुण वही है, वो सिवाय और कोई नहीं। तो बात यही होती है कि किसी किसी को दृष्टि जैसा खुलता है उसी माफिक करता है, तो उसको जो वो दुनिया भर देखती है जो आ जाए आपका सामने तुम ही हो, इसी रूप में आया, इसी नाम में आया, बस वो जब करना शुरू कर देती है। इस ढंग से महात्मा को क्या ख्याल करना चाहिए, तो उसको स्थिति कुछ ऐसा आ गया,
कि उनको ही देख रहा है, नाम में रूप में अनाम में। हाँ हाँ मराठी जी भगवान के एक सुबह और कुछ खाई थी पर हम जब कह दिया ना जो कौन नाश्ता है भगवान हे माँ तू नाश्ता है कहना सुनाई सुनी हम पढ़ा नहीं भगवान का नहीं भगवान है कि यही भगवान का ईद अब नहीं लेकिन भगवान ही है और कुछ नहीं और कुछ जो मानना होता है वही दंड होता है दो मानना होता है एक ब्रह्म द्वितीय से जहाँ हुआ दो नहीं आ सकता बाधा नहीं हो सकते कोई भाषा में कोई बात नहीं वही 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 जो ब्रह्म स्थिति है वो वही सिवाय और कुछ नहीं आता लेकिन जो प्रश्न कर रहा वही है उत्तर भी तुम दे रहा वही है तुम जैसे बजाओ तुम सुनो वही है वही सिवाय और कुछ नहीं बिल्कुल सच्ची पक्की बात वो सिवाय और कुछ नहीं लेकिन वही बात नहीं कहना ये फूल भगवान है बुरा भगवान है बुरा वादी हुआ नहीं रहती है ब्रह्म जहाँ है वहाँ बुरा वादी नहीं रहती है अगर कोई कहे बुरा हमारा ब्रह्म है और कुछ है नहीं भला ब्रह्म ही है और कुछ है वही सिवाय और कुछ है नहीं जब तो दृष्टि अलग रहे तब तो दंड आता है क्यों ऐसा कह रहा है ये ठीक नहीं है ठीक और अठीक होते हैं और दो दृष्टि और जहाँ वो ब्रह्म दिखे इसीलिए बात से भाषा से वो आए नहीं वही है ना एक बात तो वही है ना और भला बुरा जो है वो किसके पास वो तो दुनिया के पास है भला बुरा है नहीं तो और तो अनित्य है वो तो नित्य नहीं है नित्य तो वही है ना एकमात्र वही है तो इसलिए एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति हमारा ज्ञान स्वरूप आपके इसलिए जहाँ है वही है और कुछ ध्यान ठीक है अभ्यास लेकिन बाजार से तो अपने खेत के नहीं ला सकते ये बात ठीक है ना एक बजाज जो है वो अपने ले नहीं सकते अपने आप आ जाए तब ठीक है क्या बड़ी बेचारा ना समझा विवेक क्या है ना समझा विवेक नहीं बजाज का बात लाए ना उन्होंने दोनों चाहिए वैराग से मन में विशेष तरफ नहीं जाता है और अभ्यास से भगवान में रह जाता है उसको उसको जो कहते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन उस समय तीन प्रवाह तो अभ्यास से होता है और विद्यार्थी का तिरस्कार होता है तो वैराग से बोलते हैं वैराग से जैसे मन हट जाता है ऋषियों से और अभ्यास से भगवान में रह जाता है जो कुछ आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन बात है ग्रिप के अंदर रहता हुआ आदमी वो चंचलता में वो अपने कार्य को तो करना चाहता है लेकिन वो उसके वो करता हुआ भी यानी बाल बच्चों को पोषण करता हुआ भी उसका तो साजिश है कि वो अपने धर्म को जीत को लेता जाए लेकिन वो अभ्यास करने पर भी वो मन जो है एकदम से विरोध कर देता है तो एक बात है बात यही है गृहस्थ के अंदर में रह के कहते हैं ना गृहस्थ के अंदर में रह के कहते हैं ये तो बात है बहुत सुंदर तो मनुष्य जो स्थान पे रहती है वहाँ से भगवान को पाने का कोशिश करना चाहिए है ना इससे ठीक लगता है ना तो इसलिए बात होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया एक तो होती है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ सन्यास कहते हैं ना इसके बीच में जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया उनको सही होना चाहिए संसार में जैसा बालक है जैसे बाल गोपाल कुमारी है बालिका है कुमारी है ना
स्त्री है, गृहलक्ष्मी है, देवी। और स्त्री को पुरुष पति जो है परम पति का ही रूप है, इसी भावना से सेवा करें। क्यों विवेक वैराग्य तो खेल से नहीं ला सकते, इसीलिए जहाँ रहती सेवा बुद्धि से सारा कार्यक्रम करने कोशिश कर। क्या है भगवान, इसी तरीका से भगवान की सेवा हो रहा है। और सचमुच इस ढंग से अगर गृहस्थ आश्रम, आश्रम मने जहाँ श्रम नहीं आश्रम है, समझा है ना, तो भगवत बुद्धि से सारा क्रिया पति पत्नी दोनों अगर करोगे ना, तो आश्रम का माफिक, समझा है ना, आश्रम का माफिक सारा क्रिया हो जाना चाहिए ना। तो इस माफिक तुमने अगर ऐसा भावना नहीं, तत् बुद्धि भगवत बुद्धि, तो भगवान स्वयं इसी रूप में हमारा सेवा ले रहा। नेता ना जो हमारे में रह गया ना, अहंकार बुद्धि रह गया, इसी बुद्धि से अहंकार से क्या करना, हमको भगवान की सेवा करना। तो इसमें भगवत बुद्धि से अगर सेवा करें तो इसी सेवा भगवान के पास पहुंच जाता है। क्या ठीक है कि नहीं? तप बुद्धि से, तप बने भगवान, भगवत बुद्धि से गृहस्थ आश्रम में सेवा करें। और ये सेवा ठीक तरह से होए, ठीक तरह से स्मरण की भगवत बुद्धि से सेवा, भगवत बोध रहे, इसलिए क्या करना चाहिए, सवेरे शाम को दोपहर भगवत जो अपना अपना गुरु जो दी हुई है वो करनी चाहिए। समझा है ना, उसको गुरु मिला है, अपना गुरु जो दिया वही बस त्रिशंडा करते हैं, कोई दो वक्त करते हैं, लेकिन जरूर दो वक्त करना। और क्या करना, चलते फिरते खाते छूते बात उनको स्मरण रखे कि भगवान का नाम जो है, भगवान मंत्र जो है वो तो अशुद्ध नहीं होते हैं, नित्य शुद्ध है। जो मन, जो मंत्र से मन प्राण होगा तो उसी मंत्र तो नित्य शुद्ध है। तुम जो हालत में रहो उसी हालत में जप कर सकते, स्मरण कर सकते हैं, भगवत स्मरण कर सकते हैं। तो ये करते करते आशा है श्रद्धा भक्ति आ जाएगी। और क्या है, मन स्थिर होने का सहायता करेगी, मदद मिलेगी कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम का सारा क्रिया भगवत बुद्धि से करोगे तो भगवान के पास क्रिया सेवा जो है सारा पहुंच जाएगी। भगवत बुद्धि से सेवा करोगे ना सत्य को, ये सेवा भगवान के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि भगवान की करना होता है ना। इसीलिए करते करते तुम्हारा मन स्थिर, श्रद्धा भक्ति आने का रास्ता खुल जाएगा।